दोस्तों हमारे पास है कार्ड का एक डेक और इसी डेक से एक बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल मैजिक आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं इस कार्ड के डेक को यहाँ लूंगा और इसे कर देता हूँ मिक्स, और यहाँ से गौरव कहीं भी उंगली डालेगा, कहीं भी। ओके, तो जस्ट यहाँ पे उंगली डाला तो इसको आप कैमरा में दिखा दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। अब मैं इस कार्ड के डेक को यहाँ पे फैलाऊंगा और जो कार्ड अभी इन्होंने पिक किया है वो खुद व खुद बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ईंट का पंजा है, यही कार्ड इन्होंने अभी सेलेक्ट किया था। नहीं, ये नहीं था, ये कार्ड नहीं था। नहीं। ओहो, तो यहाँ मैजिक में हर किसी मूवमेंट का एक मतलब होता है, तो हमें यहाँ इंडिकेटर मिला है 5 नंबर। तो अगर यह ईंट का पंजा यहाँ सिलेक्टेड नहीं था तो हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से 5वें नंबर पर जो कार्ड है वही कार्ड इन्होंने अभी पिक किया था। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वें नंबर पे एक कार्ड है। तो चीरी का बादशाह, और एक और यहाँ पे हम चुटकी बजाएंगे, और यह जो चारों कार्ड है यह जैसे जुआ खेलते हैं तो उसका सबसे बड़ा पत्ती होता है इक्का, तो वही इक्का, सारा का सारा इक्का हमारे पास चला आया है, तो यही इक्का है। तो दोस्तों कैसा लगा यह मैजिक? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चलिए बताते हैं इस ट्रिक को कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 5 नंबर का इंडिकेटर लगा और 5वें नंबर पे वह कार्ड आया जो यहाँ पे ऑडियंस ने सेलेक्ट किया था। तो 5 नंबर निकालने के लिए हमने क्या किया कि एक पंजा लिया और बाकी 4 कार्ड, ये 4 और +1 मिलाकर के 5 हो गया। तो इसी तरह से इंडिकेटर लगेगा। अगर आप 7वें नंबर पे निकालना चाहते हैं तो एक यहाँ 7 नंबर की कार्ड लेंगे और बाकी कुल मिलाकर के यहाँ 7 पूरा देना है। जैसे यहाँ 4 कार्ड और 1 कार्ड मिलाकर के 5 हुआ, उसी तरह से अब हमें 7 पूरा करने के लिए इधर 6 कार्ड एक्स्ट्रा लेने होंगे। तो हो सकता है 6 कार्ड लेने के लिए हम यहाँ पे बेगम ले ले, 3 बेगम रख लेते हैं और इसमें 3 बादशाह रख लेते हैं। तो बेगम यहाँ पे 3 रख दिए और 3 बादशाह यहाँ ला देंगे, तो यहाँ पे 3 बादशाह हो गया। अब इस तरह से हम यहाँ पे एक इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने बताया आपको कि 5वें नंबर पे कार्ड लाया था मैं और जो ऑडियंस ने पिक किया वो 5वें नंबर पे निकला, इसके बाद 4 और 1 का निकल गया। अब यहाँ हम 7 नंबर का इंडिकेटर लगाएंगे तो 7 कार्ड इसके पीछे में रखेंगे, तो यहाँ पे यह कार्ड हो गया। तो इसको इस वाले पोजीशन में, जैसे कार्ड हम नीचे करके रखे हुए थे ऐसे, और 7 नंबर को ऊपर करके रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑडियंस को हम पिक करने के लिए देंगे कि आप कोई भी एक कार्ड पिक कीजिए। अगर यहाँ मिक्सअप करना है तो कुछ कार्ड नीचे से छोड़ करके और बाकी को मिक्स कर सकते हैं, तो कुछ यूँ मिक्स कर सकते हैं या ऐसे फेंक मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ ऑडियंस को 1 कार्ड दिए सेलेक्ट करने के लिए, उन्होंने काला पान कट्ठा सेलेक्ट किया। अब इसको यहाँ डाले, अब यहाँ जिस समय जब डाले हैं तो मेरा दूसरे हाथ का पत्ती यहाँ पे आया है जो यहाँ से कटिंग किया था, उस कटिंग को मैंने यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे कालापन का अट्ठा बोला कि यहाँ आप रख दीजिए। अब यहाँ जो मेरा सेटअप है वह मेरा यहाँ पे चला आता है। अब जब इसको टेबल पे फैलाते हैं तो कुछ यूँ फैलाएंगे और बोलेंगे कि यहाँ कुछ इंडिकेटर हमें मिलेगा और वही इंडिकेटर हमें इंडिकेट करेगा कि आपका कौन सा कार्ड है। जैसे यहाँ बोलेंगे कि ये कालापन का सत्ता अभी आपने सिलेक्ट किया था, तो बोलेंगे नहीं, कालापन का सत्ता तो सिलेक्टेड नहीं है। तो अब बोलना है कि कालापन का सत्ता नहीं है, तो एक कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है हमें, यानी यहाँ से 7वें नंबर पे जो कार्ड है वही कार्ड आपने अभी सिलेक्ट किया है। तो गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7वें नंबर का कार्ड ये क्या है, बेगम है। तो यहाँ 7 कार्ड, तो इसको हटा करके ही गिनती करना है 7 कार्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वें नंबर का कार्ड आ गया कालापान का अट्ठा। तो कुछ यूँ सेटअप होता है। अब बोलेंगे कि यहाँ पे ऐसा होगा कि बेगम और किंग दोनों आपस में मिल जाए तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पे बेगम है और यहाँ पे
तीन बादशाह है तीन बेगम के साथ। तो कुछ इस तरह से इस खेल को दिखाया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह टेक्निक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप 7 नंबर 8 नंबर 5 नंबर जो भी लगाना होगा, जहाँ पे निकालना होगा आप निकाल सकते हैं। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।